गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिविका और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्लिपकार्ट प्लस मिंत्रा हॉल। तो मैंने कुछ चीज़ें मिंत्रा से मंगवाई थी, कुछ चीज़ें फ्लिपकार्ट से, तो मुझे लगा कि दोनों को मर्ज करके एक हॉल क्यों ना बना दिया जाए। एंड बिफोर स्टार्टिंग द हॉल प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स ऑन द चैनल। सो सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे विद द साइजेस एंड आपको सारे प्रोडक्ट्स का प्राइसेस भी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज हॉल। सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ना, वो इज माई सेकंड परचेज बिकॉज मुझे ये इतना अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि मैं रह नहीं पाई और दिस इज रियली गुड फॉर योर हेयर। सो दिस इज सैटिन हेयर बैंड बाय ह्यूमन बर्ड, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरह की आती है, एज यू कैन सी मैंने दो डब्बे मंगवा लिए इस बार, एक में डार्क कलर्स है एक में थोड़े लाइट कलर्स हैं, सो दैट यू नो एवरी आउटफिट के साथ जा सकते हैं। सो सैटिन हेयर बैंड आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं बिकॉज इनको यूज करने से आपके हेयरफॉल ज्यादा नहीं होंगे लाइक वाइल डूइंग अ पोनी टेल या फिर ब्रेड जब आप कर रहे हो, तो ये काफी सॉफ्ट होते हैं आपके हेयर के लिए, सो हेयर ब्रेकेज कम होगी। सो आपको मैं कलर्स दिखा देती हूँ पहले, ऑल दो आपको लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये सारे कलर्स मुझे इसमें और काफ़ी अफोर्डेबल है, लाइक 200 का समथिंग का ये डब्बा है और इसमें आपको 10 या 12 पीसेस मिल जाएंगे। सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे विजिबल करवा दूंगी। सो ये था फर्स्ट बॉक्स। सेकंड है ये बॉक्स जिसमें थोड़े यू नो लाइटर एंड पेस्टल न्यूट्रल कलर्स ज़्यादा हैं, सो दैट मेरे किसी भी हर आउटफिट के साथ यू नो ये मैचअप करे और मुझे इसकी क्वालिटी आई विल शो यू, जस्ट सी द क्वालिटी कितने फ्लफी है। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं ऑलरेडी एक या दो डब्बे यूज कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई सेकेंड परचेज फॉर दिस रबर बैंड्स एंड आई लव दिस। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना, दैट इज अगेन अ हेयर प्रोडक्ट बट फ्रॉम मिंत्रा, दैट इज वेला का हेयर सेटिंग स्प्रे। ये काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्मेल एकदम सैलों में जैसी स्मेल नहीं आती है हेयर केयर करवाने के बाद, मतलब हेयर कटिंग वगैरह करवाने के बाद वैसी स्मेल आती है और ये आपके कर्ल्स वगैरह को अच्छा खासा होल्ड करता है। मैं उतने कर्ल्स नहीं करती हूँ, आई एम स्टिल ऑन अ लर्निंग स्टेज कि कैसे करना चाहिए कैसे नहीं। सो मैं कौन से टूल्स यूज करती हूँ फॉर कर्लिंग माई हेयर और ब्लो ड्राइंग माई हेयर, अगर आप जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। एंड ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस ऑन। मेरे को बाकी सब सही लगा था, ओनली प्रॉब्लम आई हैड ना कि मिंत्रा की पैकेजिंग काफ़ी गंदी थी, इसमें अलग अलग स्टिकर्स लगाए हुए थे जिसकी वजह से यू कैन सी जब मैंने ये स्टिकर हटाया तो बहुत अजीब सा एक यू नो वो हो गया, इसकी पैकेजिंग खराब हो गई है पूरी, बट द प्रोडक्ट सीम्स टू बी ओरिजिनल एंड इट्स रियली नाइस। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है एक फुटवेयर जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया और जो काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करती है मेरे हर एक आउटफिट को, दैट इज़ इन वाइट कलर एंड दैट प्रोडक्ट इज दिस कार्टन लंदन के हील्स है, थोड़े से छोटे छोटे हील्स है, मैंने बहुत बार पहना है, थोड़े गंदे हैं सो वो नहीं दिखाती हूँ, बट इसकी जो स्टाइल है ना मुझे बहुत अच्छी लगी, जो पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है ना बहुत अच्छा लुक देता है आपके यू नो एज अ फुटवेयर, बहुत अच्छा लुक देता है और हर एक आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करता है क्योंकि वाइट कलर है तो हर एक आउटफिट में जाता है। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज अगेन अ फुटवेयर बट फ्रॉम मिंत्रा, वो है ये फ्लैश फ्रॉम गिबल, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग द ब्रांड नेम राइट। सो ये उतने कंफर्टेबल नहीं है, लाइक इफ यू आर वेयरिंग इट फॉर 3 to 4 hours देन इट फाइन, इफ इट इज अ लॉन्ग डे देन आई नॉट रिकमेंड यू टू वेयर दिस, बहुत ज्यादा दर्द होगा पैरों में इसलिए, बट इसकी कलेक्शन बहुत अच्छी थी फ्लैट्स की, बट इसलिए मैंने दूसरे ऑर्डर नहीं किए क्योंकि उतने कंफर्टेबल मेरे को नहीं लगे। बाकी लुक वाइज अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, 2-3 घंटे के लिए आप मैनेज कर पाओगे, पैरों में दर्द नहीं होगा, कंफर्टेबल होगा, बट आफ्टर दैट थोड़ा अनकंफर्ट लगने लग जाता है, तो अगर आप वो मैनेज कर सकते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज आई नॉट रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव इज दिस टॉप आई एम वेयरिंग राइट हियर। सो ये बहुत ही सुंदर टॉप है। सो इसका जो मटीरियल है ना वो सो नेट काइंड ऑफ मटीरियल है और अंदर एक क्लोथ दिया हुआ है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है और बहुत सुंदर लगता है, बहुत स्मार्ट है, मतलब पार्टी वेयर के लिए तो एकदम परफेक्ट है, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने मिंत्रा से लिया एंड द प्राइस वी आर पेइंग फॉर इट लाइक इट्स ऑल वर्थ इट, इज अ स्टील डील, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस। बहुत ही स्मार्ट टॉप है, बहुत ही एकदम नाइट टाइम पार्टी वाला टॉप है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेट मी नो योर थॉट्स ऑन इट। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट। जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है दैट इज अगेन अ क्लोदिंग प्रोडक्ट एंड दैट इज फ्रॉम मिंत्रा। सो दिस इज अ कोएड सेट बाय रोडस्टर इन दिस कलर, लाइक दिस इज अ लिटिल डार्क कलर, कैमरा में थोड़ा लाइट कलर आता है मेरे, सो ये थोड़ा डार्क कलर में है एंड इसके साथ आपको सेम कलर की पैंट्स मिल जाती है, बहुत ही कंफर्टेबल है एंड मतलब क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट द ओनली पार्ट आई डिड नॉट लाइक कि टॉप की जो टॉप का जो फिटिंग है वो बहुत सही है, बट पैंट्स में ना जो ये वेस्ट लाइन में है ये बहुत स्ट्रेचेबल है, आई अग्री,
बट ड्रॉ स्ट्रिंग नहीं है, सो अगर आगे जाके ये थोड़ा लूज हो गया ना तो ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा इसको पहनना. सो दैट इज द ओनली पार्ट आई डिड नॉट लाइक अबाउट द प्रोडक्ट, अदरवाइज द प्रोडक्ट इज रियली गुड. यू कैन डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई दिस ऑन. ट्रैवलिंग के लिए वगैरह के लिए बहुत अच्छा है और बहुत ट्रेंड में भी है अभी इस टाइप के कपड़े. इसके नीचे वाइट शूज पहनो एंड बैग लो एंड यू आर रेडी टू गो. सो और मैं इसको स्टाइल भी करने वाली हूँ एंड इसका शॉर्ट मैं जल्दी ही डालूंगी. सो स्टे ट्यून्ड इन द चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है और द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द हॉल इज दिस फेस आइस रोलर. ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है और मुझे ये यूज करना था क्योंकि मैं आइस मसाज करती हूँ अपने फेस में. और इसमें ना 3-in-1 प्रोडक्ट है. इसमें आपको एक फेस क्लींजर और एक ब्रश मेकअप ब्रशेस क्लींजर भी मिल जाता है. लेट्स सी इसकी क्वालिटी कैसी है. तो मैंने जो प्रोसेस होता है इसमें पानी डालने का एंड ऑल वो सब कर लिया, वीडियो में देख सकते हो. एंड आफ्टर 3 to 4 hours मैं इसको मतलब ओपन तो कर रही हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि ये पूरी तरह से फ्रीज हुआ है या नहीं. सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेकअप ब्रश क्लींजर दिया हुआ है, यहाँ पे ये फेस क्लींजर दिया हुआ है, बट मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि ये मेरे को थोड़ा सा हार्श लगा. तो मैं किसी और पर्पज़ के लिए इसको यूज़ कर लूँगी, लाइक बॉडी स्क्रबिंग और समथिंग, बट नॉट ऑन माई फेस. तो देखते हैं ये आइस कैसी वो हुई है, टर्न आउट हुई है. सो जस्ट सी गाइस ये कितना सुंदर लग रहा है. और मेरे को इसका बेस्ट पार्ट क्या लगा ना, मैं ये ऐसा टर्न दिया हुआ है सो दैट यू कैन मसाज इट लाइक दिस ऑल्सो और बहुत सही रहेगा. और रोज पेटल डालने से कितना सुंदर लग रहा है ना. तो ये प्रोडक्ट काफ़ी यूजफुल होने वाला है बट आप इसको 2 से 3 बार ही एक जो आइस रहेगा उसको 2 से 3 बार ही यूज़ करना, या फिर आई विल सजेस्ट कि एक ही बार यूज़ करके उसको फेंक देना फिर वापस से फ्रीज करना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. और बाकी मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा. एज यू कैन सी मुझे काफ़ी सही लग रहा है, बिल्कुल भी यू नो मेसी नहीं होगा आइस मसाज. फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस. आइस मसाज बहुत अच्छी होती है फेस के लिए, वो आपके फेस को यू नो टाइटन करती है एंड इससे रिंकल्स वगैरह भी नहीं होते. सो दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट फॉर दैट आइस मसाज एंड इट्स रियली वर्थ द प्राइस. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस वन. सो या ये था मेरा फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा हॉल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज हिट द लाइक बटन. लेट मी नो योर कमेंट्स कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा एंड मतलब कौन सा आपका नॉट सो फेवरेट प्रोडक्ट था, वो भी मेरे को कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा. एंड शेयर इट टू योर लव्ड वंस एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन टू स्टे ट्यून्ड. सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.